नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, आपने एक श्लोक संस्कृत का जरूर सुना होगा जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, यत्र नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहां पर नारी की रिस्पेक्ट होती है वहीं पर देवता का वास होता है, यानी कि उसी जगह को भगवान भी पसंद करते हैं। यहां पर इस वाक्य के थ्रू ये कहने की, श्लोक के थ्रू ये कहने की कोशिश की गई है कि महिलाओं के अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, महिलाओं की एजुकेशन, सोशल, एजुकेशनल सभी राइट्स की रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है भारत के इतिहास में। हम अक्सर जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे शासकों का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादातर फोकस शासकों की बात कहें या फिर उसके अलावा हम फ्रीडम फाइटर्स, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ज्यादातर हम वहां पर पुरुषों को पढ़ते हैं। लेकिन आज यहां पर आप देखेंगे कि महिलाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सोशल सर्विस हो या फिर वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो, यानी कि क्रांतिकारी तौर तरीकों से भारत की फ्रीडम मूवमेंट को चलाने के जो तरीके थे, जिस तरह से भगत सिंह और बाकी हम क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, उसी तरह से महिलाएं भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज इस पूरी क्लास के अंदर हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेशन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार मुझे बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो यहाँ पर क्लियर है, सभी दोस्त यहाँ पर सेशन से जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए सेशन से जुड़ेंगे, सेशन की शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सिर्फ हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्रीलिम्स में भी अब आप देखेंगे कई बार, खास तौर पर अगर आप देखें 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2020 के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको महिलाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन को साफ साफ यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखें 2015 का जो क्वेश्चन है, ये बात यहाँ पर करता है किसके ऊपर कि भाई द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू। हालांकि प्योरली ये वुमेन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह से बीच बीच में फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा रखमाबाई केस के ऊपर, जो कि 1884 का केस है, इस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजों को देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल बैच लेकर आया है, जिन भी दोस्तों को अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, और अगर आप कॉम्प्रीहेंसिव बैच के अंदर फुल फ्लेजेड तैयारी वाला, जो जीरो से तैयारी कराने वाला बैच है, उसमें एनरोल नहीं करना चाहते, तो स्पेशल यहाँ पर बैच है आपके लिए, जो कि आपके बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटीज कवर करवाएगा, स्पेशली एनसीईआरटीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी तभी करेंगे जब एक बार बेसिक्स यहाँ पर चेक कर लें और देख लें कि आपको करनी है नहीं करनी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। इसके अंदर आपको सारी बेसिक जानकारी दी जाएगी, जो कि आपको बाकी एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके लिए आपको कोड लगाना होगा SMK LIVE। तो 6 से 12 तक की हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस कोर्स में, और आपको कोड लगाना होगा SMK LIVE। बाकी टीचर्स भी आपको सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पर कवर करवाएंगे। लाइव क्लासेस होती है, डाउट 1-to-1 आपके रिजॉल्व होते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास होती है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल जैसे 1-on-1 क्लास के अंदर होता है। उसके अलावा अनअकैडमी आपको कई सारे बेनिफिट्स देता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से, उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको प्रीलिम्स जीएस का कोर्स तो मिलता ही है, साथ में क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, और यहां पर सीसेट का कोर्स, जो कि आपको अलग से लेना होता है बाकी कोचिंग्स में, यहां पर सेम मिलता है। मेंस का वैल्यू एडिशन प्रोग्राम, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा दोनों ही मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलता है सिंगल सब्सक्रिप्शन से। साथ ही में 50% ऑफ 31 जनवरी तक चल रहा है। अगर आप 2025-26-27 कोई सी भी साल की तैयारी करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर एनरोल करते हैं, और यहां पर आप को 50% डिस्काउंट मिलता है, साथ में आपका कोर्स 6 महीने ज्यादा वैलिड रहेगा, एक्सटेंशन मिलता है अगर आप यहां पर कोड लगाएंगे SMK LIVE। अगर आप SMK LIVE कोड लगाएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर सभी दोस्त जो इंग्लिश मीडियम, प्योरली इंग्लिश मीडियम की तैयारी करना चाहते हैं, कई दोस्तों को बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश या बाइलिंगुअल में समस्या होती है जब टीचर एजुकेटर जो है हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर उन सभी दोस्तों के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आया गया है 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए। प्योरली इंग्लिश में ये होने वाला है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश यहाँ पर होगा। सरमद मेहराज सर को आप सब जानते होंगे,
सरमद महराज सर की गाइडेंस में यहाँ पर ये पूरा जो कोर्स है चलाया जाएगा और यहाँ पर वन ऑन वन लाइव सेशन, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज के एक्सेस सब आपको मिलेंगे और सब कुछ इंग्लिश में होगा, लेक्चर से लेकर कंटेंट तक, ठीक है। कोड आपको लगाना होगा इसमें एनरोल करने के लिए, एस एम के लाइव आपको यहाँ पर कोड लेकिन लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर सिंगल सब्सक्रिप्शन से कई सारे ऑप्शनल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल सिलेक्ट करना एक क्रूशियल स्टेज होता है और वहां पर आपको जरूरी है आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड हो, वेल अवेयर डिसीजन हो, इसलिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से कई सारे ऑप्शनल्स को आप एक्सप्लोर करके अपनी चॉइस यहां पर इन्फॉर्म तरीके से ले सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिलता है अनअकैडमी के साथ। अब यहां पर अगर बात करें फेमस केस की जो बात करी थी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1884 का क्वेश्चन था, केस के ऊपर क्वेश्चन था, रखमा बाई के ऊपर ये क्वेश्चन था, देखते हैं आखिर यहां पर रखमा बाई आखिर है कौन, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर थी, डॉक्टर रखमा बाई जो थी ये फिजिशियन थी, ठीक है, और एक फेमिनिस्ट थी, फेमिनिस्ट यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक एक्टिविस्ट थी, महिलाएं के अधिकारों को जागरूक करने के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट भी हुआ करती थी। और ये भारत की चुनिंदा जो पहली शुरुआत की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग जो महिला डॉक्टर्स हैं उनमें से एक आपको देखने को मिलेंगी, और ये एक लीगल केस के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आखिर होता क्या है, तो दरअसल बाल विवाह हुआ था रखमाबाई का, बाद में फिर ये अपने घर पे ही रहकर अपने मतलब अपने इन-लॉज के घर नहीं गई और अपने ही घर रहकर इन्होंने आगे की पढ़ाई लिखाई की, और फिर अपनी शादी के 12 साल बाद इन्होंने इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मुकदमा दायर किया। दरअसल जो भी मैरिड कपल्स होते हैं उनमें से अगर कोई भी एक व्यक्ति जो है वो साथ में नहीं रहता, अलग रहता है, सेपरेट रहता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो अग्रीव्ड है, जो कहता है कि भाई मुझे साथ में रहना है, हमारी शादी हुई है, तो यहाँ पर सेपरेट ना रहने की बजाय हमें साथ में रहना चाहिए, तो यहाँ पर वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट से ये ऑर्डर पास करवा सकता है किस चीज़ का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। और ऐसे मैटर्स में ये केस देखा जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, जहाँ पर सेपरेटिंग जो पार्टनर है, जो अग्रीव्ड है, वो मुकदमा दायर करता है। तो इनके हस्बैंड ने 1885 में ये मुकदमा दायर करा था क्योंकि ये अपने घर पे ही सेपरेट यहां पर रह रही थी, ठीक है। और ये जो केस था बाद में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का काम करता है, एक इनपुट का काम करता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि 1891 का है, क्योंकि इनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, तो एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट है ये भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उस समय कानून बनाया गया था। अब यहां पर दो नाम आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे, कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रीलिम्स में जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो या तो वो मुश्किल बनाकर बच्चे को फंसाएगा या फिर आसान क्वेश्चन को कंफ्यूज करके आपको फंसाएगा। तो यहां पर दो नाम हम इतिहास में देखते हैं, एक देवी चौधरानी और एक नाम सरला देवी चौधरानी। दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि सरला देवी चौधरानी को ही देवी चौधरानी भी कहते हैं, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इस पूरी इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है वो यहां पर देखते हैं। तो कहता है कि दरअसल 1770 से और 77 के बीच बंगाल के अंदर सन्यासी रेबेलियन हुआ था, यानी कि सन्यासी लोगों का रिवोल्ट, इसे फकीर रिवोल्ट भी कहते हैं। सन्यासी रिवोल्ट का मतलब जितने भी साधु संत उस समय के हुआ करते थे और जो जमींदार थे जिनकी जमीन, पुराने जमींदारों की जमीन छीन ली गई थी ब्रिटिश सरकार की नई नई पॉलिसीज ने, रेवेन्यू पॉलिसीज ने, उन सभी लोगों ने यहां पर रिवोल्ट किया और ये मूवमेंट बना सन्यासी रिबेलियन, या फिर सन्यासी, इसको मंक रिवोल्ट, ठीक है, फकीर रिवेलियन भी इसको कहते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी में, यहां पर इन सभी जगहों पर ये एक्टिवली होता है, और इसके जो लीडर थे उनमें आपको मिलेंगे पंडित भवानी चरण पाठक और साथ में आपको मिलेंगी देवी चौधरानी। तो पंडित भवानी चंद्र पाठक और देवी चौधरानी जो थी ये इस समय बंगाल के सन्यासी रिवोल्ट की लीडरशिप इनके हाथ में दिखेगी। इन्होंने कई सारे ऐसे साधुओं को, सन्यासियों को पनाह दी, उनको रिफ्यूज दिया जो कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे थे और बचकर भी अपने आप को छुपा रहे थे, तो ऐसे लोगों को यहां पर शेल्टर प्रोवाइड किया। उसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं सन्यासी रिवोल्ट के आधा जो ये रिवोल्ट हुआ था इसी के आधार पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनको बोला जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ जो लिखा था वो इसी के ऊपर लिखा था, ठीक है। और फिर बाद में उसके ऊपर आप देखेंगे उसमें से वंदे मातरम जो सॉन्ग निकला
वो भी आनंद मठ, जो कि सन्यासी रिवोल्ट पर लिखा गया एक उपन्यास है, उसमें से आपको वंदे मातरम का सॉन्ग मिलता है। उसके अलावा सन्यासी रिवोल्ट से जुड़ा हुआ एक और उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, और वो है दरअसल देवी चौधरानी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दो उपन्यास लिखे थे सन्यासी रिवोल्ट के आधार पर, एक आनंद मठ और दूसरा देवी चौधरानी। ठीक है, ये 1884 के अंदर पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको याद रखना होगा देवी चौधरानी कौन है, ये सन्यासी रिवोल्ट की एक महिला, आप लीडर इनको कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर यहां बात कर रहे हैं सरला देवी चौधरानी की, ठीक है, सरला देवी चौधरानी दरअसल आपको देखने को मिलेंगी, ये भारत स्त्री महामंडल स्थापित करने वाली एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की पहली ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्थापित करने वाली एक लीडर एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इनका नाम बचपन में सरला घोषाल था, बाद में इनको सरला देवी चौधरानी कहा गया। दरअसल ये नीस थी इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की, और 1872 में इनका जन्म हुआ था, बचपन में नाम सरला घोषाल इनका नाम था। ठीक है, उसके अलावा 1915 में इन्होंने ऑल रेवोल्यूशनरी पार्टी की भी स्थापना की थी, और साथ में यहां पर सौहार्द सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और ये एक रेवोल्यूशनरी को असिस्ट करने वाली एक्टिविस्ट थी, यानी कि जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उस जमाने में उनको भी असिस्ट यहां पर करती थी। ठीक है, साथ में, ठीक है, ये पहली महिला पॉलिटिकल लीडर भी मानी जाती हैं जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था बंगाल पार्टीशन के जमाने में स्वदेश मूवमेंट के अंदर। तो पहली महिला पॉलिटिकल लीडर मानी जाती हैं अपने जमाने की, कौन, सरला देवी चौधरानी, और इन्होंने भारत स्त्री महामंडल 1910 में इसकी स्थापना की थी, और जो कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता था, महिलाओं के अधिकार के जागरूक करने के लिए महिलाओं को जोड़ता था, और ये ऑल इंडिया लेवल की पहली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी। इनसे पहले भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रही है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। इन्होंने वंदे मातरम गाना गाया था कहां पर, बनारस के कांग्रेस सेशन में। कब हुआ था बनारस का कांग्रेस सेशन, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, बनारस का कांग्रेस का जो सेशन था ये कौन से सन में हुआ था, कौन से साल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले उस सेशन के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए, उसके अलावा इन्होंने भारत स्त्री शिक्षा सदन की भी स्थापना की। ठीक है, जो कि एक स्कूल था लड़कियों के लिए, कहां पर, कलकत्ता के अंदर। उसके अलावा इन्होंने बुक लिखी जो थी, जिसका नाम था अहितांगिका। ठीक है, और ये स्कूल स्टूडेंट्स को अवेयर करती थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ने के लिए इन्होंने किताब लिखी अहितांगिका। तो नाम याद रखेंगे, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देगा कि भाई एक महिला थी जिन्होंने किताब लिखी अहितांगिका, उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग भी गाया, मैं बता देता हूँ 1905 के बनारस के सेशन में उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग भी गाया, भारत स्त्री शिक्षा सदन की स्थापना की, बताइए उन महिला का नाम क्या है। इस तरह से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो यहां पर महिलाओं का नाम पूछ लेगा। ठीक है, महिलाओं का या फिर लीडर्स का, तो आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए कि भाई रेवोल्यूशनरी पार्टी इन्होंने स्थापित की इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो सरला देवी चौधरानी और सरला देवी चौधरानी और देवी चौधरानी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग महिला लीडर्स हैं। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखी अपनी बायोग्राफी जो कहा जाता है जीवनेर झोरा पाता, यानी कि स्कैटर्ड लीव्स ऑफ माय लाइफ नाम की जो किताब है, पुस्तक इन्होंने लिखी। अब अगली जो महिला फ्रीडम फाइटर है जिनका योगदान भारत के इतिहास में है, रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं, पोएम आपने सुनी होगी, बुंदेले हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो झांसी वाली रानी, झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, 1857 के रिबेलियन के लिए जानी जाती हैं। 1857 का रिबेलियन जब भारत के अंदर हुआ तो अलग अलग जगह पर इस रिवोल्ट को अलग अलग लीडर्स ने लीडरशिप दी। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर आपको जनरल बख्त खान मिलेंगे, ग्वालियर के अंदर आपको तात्या टोपे मिलेंगे, और झांसी के अंदर आपको रानी लक्ष्मीबाई यहां पर मिलती हैं, बागपत और मेरठ में आपको शाह मल दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग लीडर्स ने जिस तरह से 1857 के अंदर क्रांति को लीड किया, उसी तरह से झांसी में आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नजर आती हैं, इस मूवमेंट, इस रिवोल्ट को लीड करती हुई। इनका जन्म 1828 में होता है वाराणसी के अंदर, और झांसी आपको कहां पर मिलेगा, बुंदेलखंड का जो रीजन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, वहां पर आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। और दरअसल इन्होंने जो रिवोल्ट किया था 1857 में तो किया ही था, उससे पहले इनका जो झांसी जो रियासत थी उसको ब्रिटिश लोगों ने हड़प लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत। उसके अलावा मणिकर्णिका नाम से जाना जाता था झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को, और बचपन में इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। तो मनु या फिर मणिकर्णिका दोनों किसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट फीमेल यूनिट 1943 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसके अंदर जो पहली इस तरह महिला टुकड़ी बनी उसका भी नाम था झांसी की रानी झांसी, ठीक है, रेजिमेंट, ठीक है। तो यहां पर इनके नाम पे एक टुकड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 1857 के अंदर हमने देखा अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर्स आपको रिवोल्ट को लीड करते हुए मिलेंगे। ऐसे ही अवध में आपको देखने को मिलती है बेगम हजरत महल। दरअसल बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड थे, ठीक है, नवाब ऑफ अवध, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो यहां पर छोटी उम्र के यानी कि प्रिंस जो है उनको, यानी कि इनके बेटे जो होते हैं उनको यहां पर राजा बना दिया जाता है, यानी कि उनको वली बना दिया जाता है अवध का, ठीक है, नवाब ऑफ अवध बना दिया जाता है। तब उनकी उम्र छोटी होती है, जिनका नाम था बिजरिस कद्र, ठीक है। बिजरिस कद्र जो थे उनकी उम्र काफी छोटी थी, ये अवध के नवाब बन गए थे अपने पिता की मृत्यु के बाद तुरंत ही। लेकिन इस समय जो इंपॉर्टेंट डिसीजन साम्राज्य के ले रहा था वो कौन थी, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल एक संरक्षक के रूप में, एक रीजेंट के रूप के अंदर यहां पर इस साम्राज्य को चला रही थी। और 1857 का जब रिवोल्ट होता है तो यहां पर भी बेगम हजरत महल का आपको इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। दरअसल आपको पता है अवध को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया था, कब्जा लिया गया था 1854 में ब्रिटिश लोगों ने, किसके ऊपर, मिस गवर्नेंस के बहाने से अवध को कब्जा लिया गया था। तो अवध को लेकर सेना में जो लोग थे, ब्रिटिश सेना में जो अवध के सैनिक थे उनमें बड़ा गुस्सा था। तो अवध का जो एनेक्सेशन था वो भी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और यहां पर अवध के अंदर आपको बेगम हजरत महल देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक और यहां पर महिला फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलती है जिनका नाम है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो है इनको बुंदेली आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक फ्रीडम फाइटर के रूप में देखा जाता है। और ये लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की एक खास फ्रीडम फाइटर, उस जमाने में उनकी सोल्जर हुआ करती थी, उनकी एक सेना जिसका नाम था दुर्गा दल की लीडर आपको देखने को मिलेंगी, और काफी ट्रस्टेड मानी जाती थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। उसके अलावा यहां पर इनको जो दलित कम्युनिटीज हैं वो एज ए लीडर इनकारनेशन ऑफ गॉड के रूप में देखती हैं, झलकारी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई से ही कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर एक और फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है दुर्गा भाभी, ठीक है। दुर्गा भाभी जो है, ठीक है, वैसे तो इनका नाम है दुर्गावती देवी, ठीक है, लेकिन इनको दुर्गा भाभी भी कहा जाता है। अलाहाबाद में 1907 में इनका जन्म होता है और इनकी जो शादी होती है, जो इनका विवाह होता है वो भगवती चरण बोरा से होता है। भगवती चरण बोरा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब लिखी है, ठीक है। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब जो किताब लिखी थी वो भगवती चरण बोरा ने लिखी थी, और भगवती चरण बोरा का इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है 1929 में असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर जब भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था, तब वहां पर भगवती चरण बोरा का इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है बॉम्ब बनाने के अंदर, ठीक है। तो भगवती चरण बोरा की वाइफ हुआ करती थी, तो एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की, क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, तो ये भी क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर महिला ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नौजवान भारत सभा को ज्वाइन किया, साथ में इन्होंने भगत सिंह को हेल्प की थी जब भगत सिंह ने सॉन्डर्स का मर्डर किया था, सॉन्डर्स की हत्या करी थी भगत सिंह ने। उसके बाद भगत सिंह को जब लाहौर एस्केप करना था, तब यहां पर आपने मूवी में वो सीन देखा होगा जिसमें ट्रेन के अंदर भगत सिंह अपना रूप बदल कर जाते हैं, हैट लगाते हैं, मूछे लगाते हैं, उनके साथ एक महिला होती है, वो ट्रेन में चढ़ते हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा के एस्केप करते हैं, जबकि वहां पर पूरे पुलिस का पहरा होता है, पूरे शहर की पुलिस भगत सिंह को ढूंढ रही होती है, और भगत सिंह अपना भेष बदल कर जाते हैं और ट्रेन से निकल जाते हैं। तो दरअसल होता इसके अंदर ऐसा है कि यहां पर सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, उसके बाद पूरी पुलिस जब यहां पर ढूंढ रही होती है तो यहां पर भगत सिंह रोल प्ले करते हैं और दुर्गा भाभी जो है उनकी वाइफ का रोल प्ले करती हैं। साथ में जो राजगुरु होते हैं, राजगुरु उनके नौकर का, सर्वेंट का रोल प्ले करते हैं, ट्रेन के अंदर बैठते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवी का सीन है उसके अंदर आपको जो महिला दिखती है भगत सिंह के साथ,
वो मिलती हैं आपको दुर्गा भाभी, ठीक है, दुर्गावती देवी। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, ठीक है, कहता है कि यहां पर इन्होंने, ठीक है, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए भी जानी जाती हैं। यहां पर इन्होंने लॉर्ड हेले जो कि पंजाब के गवर्नर थे, इनकी हत्या करने की भी कोशिश की, तो एक क्रांतिकारी स्टेप्स लेने के लिए भी दुर्गा भाभी यहां पर जानी जाती हैं। उसके अलावा आपने पीएम मोदी के मुंह से भी कई बार सुना होगा रानी गाइडेनलू का जिक्र, तो रानी गाइडेनलू एक और यहां पर फ्रीडम फाइटर देखने को मिलती है जो कि 1915 में जिनका जन्म होता है, ठीक है, और आज का जो मणिपुर है वहां पर इनका जन्म होता है। एक नागा स्पिरिचुअल लीडर और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में रानी गाइडेनलू जानी जाती हैं, जो कि ब्रिटिश लोगों से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, और हरेका रिलीजियस मूवमेंट के रूप में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ये ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन जाती है और रानी गाइडेनलू यहां पर एक लीडर के रूप में उभरती हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर टैक्स वगैरह पे करने से यहां पर मना किया गया और ब्रिटिश लोगों से डायरेक्ट टक्कर यहां पर ली गई, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने इनको ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की यहां पर और फाइनली 1932 में उनको अरेस्ट कर लिया गया जब ये सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में थी। तो आप सोच सकते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे पुराने जमाने में 16-17 साल की उम्र के बच्चे की उम्र के होते थे और इतने बड़े बड़े काम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते हुए आप देखेंगे इन्होंने अपने कोई अरेस्ट हुआ किसी ने अपनी जान गंवाई, ठीक है, और 1947 में इनको रिलीज किया गया। साथ ही में यहां पर इनको रानी का जो टाइटल था, रानी का टाइटल ये किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी का टाइटल दिया कब, यहां पर जब ये रिलीज हो गई। उसके बाद यहां पर डॉटर ऑफ हिल्स भी इनको कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इनको डॉटर ऑफ हिल्स और साथ में रानी का टाइटल भी दिया। उसके अलावा 1857 से पहले यहां पर एक और रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि किया गया वेलू नचियार के द्वारा और ये ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट यहां पर रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इनके यहां पर वेलू नचियार जो है ये एक फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है, इनके हस्बैंड की एक युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हुए और उसके बाद यहां पर इनका कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हो जाता है बाकी जो आसपास के शासक हैं उनके समर्थन से, ठीक है। उसके अलावा यहां पर इन्हों का बार इनको जाना जाता है, पहली बार कोई ह्यूमन बॉम्ब बनाने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने फर्स्ट आर्मी ऑफ ट्रेंड वुमेन भी एस्टेब्लिश की थी 1700s लेट 1700s में, ठीक है। और इनके आर्मिंग कमांडर जो थे जिनका नाम था क्विली, इन्होंने अपने आप को आर्मी कमांडर जो थे क्विली थी, इन्होंने अपने आप को आग लगा ली और ब्रिटिश एम्यूनिशन में अपने आप को डंप कर दिया, यानी जहां ब्रिटिश हथियार रखे जाते थे वहां पर खुद को आग लगाकर कुदा दिया। तो आप सोच सकते हैं फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब के लिए यहां पर जानी जाती थी। उसके अलावा एक और फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलेंगी रानी चेनम्मा, ठीक है, रानी चेनम्मा जिनको किट्टूर की रानी चेनम्मा भी कहा जाता है, ठीक है। किट्टूर कहां पर, आज के कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। यहां पर रानी चेनम्मा एक फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलती है जिन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, हथियार उठाकर इन्होंने यहां पर रिवोल्ट किया और दरअसल 15 साल की उम्र में किट्टूर की रानी बन जाती हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद इनके हस्बैंड की मृत्यु 1816 के अंदर हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली इनके जो बेटे की जो मृत्यु होती है वो भी 1824 के अंदर हो जाती है। तो काफी अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस यहां पर रहते हैं किट्टूर की रानी चेनम्मा के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ब्रिटिश जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दरअसल रानी चेनम्मा एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं ताकि साम्राज्य वो आगे चला सके, लेकिन ब्रिटिश लोग उस बच्चे को एक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखते हैं और यहां पर किंगडम को एनेक्स करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, किंगडम को एनेक्स करते हैं, ठीक है, और यहां पर युद्ध होता है रानी चेनम्मा का, ठीक है, कंपनी से 1824 के अंदर। तो याद रखेंगे रानी चेनम्मा के साम्राज्य को हड़पने की कोशिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आने से पहले ही की जा चुकी थी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता है कि अगर किसी राजा या रानी का खुद की बायोलॉजिकल संतान नहीं है तो अडॉप्टेड जो उत्तराधिकारी है वो उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और ऐसे में जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, अडॉप्टेड बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य उस रियासत को, साम्राज्य को अपने अंदर मिला लेगा, एनेक्स कर लेगा। और इसी का हवाला देते हुए 1824 में कोशिश की गई, हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी 1854 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 1848 से 56 के बीच में डलहौजी ने इस्तेमाल किया था, 1848 से
56 के बीच में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया एज ए जनरल रूल, एक जनरल प्रैक्टिस जहां पर भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन उससे पहले भी कोशिश की जा चुकी थी 1824 में, और किट्टूर की रानी चेनम्मा का यहां पर युद्ध आपको इसी वजह से देखने को मिलता है। 1857 से बहुत पहले यहां पर रिवोल्ट हो चुका था। उसके अलावा ऐसी महिलाओं का भी हम यहां पर रोल देखेंगे जिनका ओरिजिन आपको फॉरेन दिखेगा, लेकिन वो यहां पर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी। जैसे कि आपको एक नाम देखने को मिलता है, किसका? एनी बेसेंट का। ठीक है, तो एनी बेसेंट एक सोशलिस्ट ब्रिटिश महिला थी और इंडियन इंडिपेंडेंस को इन्होंने सपोर्ट किया। खासतौर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की आपको मेंबर दिखेंगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में एस्टैब्लिश की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो ऐसे अंग्रेजों से भरी हुई थी, ऐसे यूरोपियन से और फॉरेनर से भरी हुई थी जो कि भारत के इतिहास को समझने में दिलचस्पी रखते थे। भारत के लोगों के प्रति उनका जो रवैया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नहीं था। वो चाहते थे कि भारत के लोगों को यहाँ पर उनका जो पास्ट है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया जाए। भारत के उपनिषद, पुरानी फिलॉसफी जो थी उन सबको पढ़ते थे और भारत के पास्ट में दिलचस्पी लेके भारत की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिवाइव करने के लिए काम करते थे। क्योंकि इनका मानना था भारत को गलत तरीके से यहाँ पर कॉलोनाइज किया गया है और भारत को स्वराज का हक मिलना चाहिए। भारत को यहाँ पर, भारत के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट्स का, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। होम रूल लीग की स्थापना मतलब स्वराज की डिमांड करने वाली यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ये जो स्वराज था ये किस तरह का था? दरअसल आयरिश कॉलोनीज को कई ब्रिटिश लोगों ने अधिकार दिए हुए थे। आयरिश, दरअसल आयरलैंड को ब्रिटेन ने कॉलोनी अपना बनाया हुआ था, लेकिन उनको भारत की तरह नहीं बनाया हुआ था, उनको काफी अधिकार कुछ मिले हुए थे, काफी कुछ ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो भारत के लोगों को भी ऐसी ऑटोनॉमी, ऐसी स्वायत्तता मिले, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स, ज्यादातर इंपॉर्टेंट मैटर्स भारत के लोगों के हाथ में हो, बाकी जो है वो ब्रिटिश लोग चलाएं, लेकिन भारत के लोग जो है खुद को सेल्फ गवर्नेंस दें। इसे कहते हैं होम रूल लीग। इसका मतलब पूरी आजादी नहीं था यहां पर, था कुछ प्रकार का सेल्फ गवर्नमेंट यहां पर मिले, जिसे स्वराज कहा गया। ठीक है, 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की कल्पना होती है। पूर्ण स्वराज जो है वो एक डिमांड के रूप में उभर कर सामने आता है। उससे पहले जो भी बात होती है वो स्वराज की बात होती है, और उस स्वराज का मतलब 1929 से पहले वाले स्वराज का मतलब कंप्लीट आजादी नहीं था। तो इस बात का याद रखेंगे। हालांकि होम रूल लीग की स्थापना यहां पर एनी बेसेंट ने की, ठीक है, साथ में यहां पर आयरिश इंडिपेंडेंस को भी ये समर्थन देती थी, और आयरिश इंडिपेंडेंस की तरह ही होम रूल लीग की स्थापना भारत के अंदर की। ठीक है, उसके अलावा 1917 के अंदर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है और पहली महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट बनती है। तो कांग्रेस के अंदर अगर कोई पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है तो वो कौन है? वो है एनी बेसेंट। तो इस चीज को याद रखेंगे। और पहली महिला जो भारतीय है वो अलग है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली महिला प्रेसिडेंट भी कांग्रेस की 1917 में यहां पर बनती है। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1917 में यहां पर बनती है। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको देखने को मिलती है भारत के पूरे इतिहास के अंदर, ठीक है, और महिलाओं को उनकी शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए, खास तौर पर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उनको जागरूक करने के लिए, और जो महिलाएं एज ए होल, चाहे वो किसी भी क्लास से आती हो, किसी भी कास्ट से आती हो, सभी महिलाओं की शिक्षा को लिए यहां पर काम करने वाली आपको मिलेंगी सावित्री बाई फूले। इनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिबा फूले, उनको आप सब जानते हैं। यहां पर सावित्री बाई फूले जो थी ये वाइफ थी ज्योतिबा फूले की, और इनका जन्म 1831 में होता है महाराष्ट्र के सतारा में। ठीक है, आज की जो ओबीसी कम्युनिटी है वहां से आती है, माली कम्युनिटी से। उसके अलावा इनका भी बाल विवाह हुआ था 9 साल की उम्र में, और ज्योतिबा फूले उस समय 13 साल के थे, तब इनका बाल विवाह यहां पर हुआ था। और साथ में यहां पर इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था महिलाओं के लिए 1848 के अंदर। तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, यानी कि ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर पहला जो स्कूल खोला गया था, दोनों के एफर्ट से यहां पर खोला गया 1848 में, जो कि पहली बार किसी इंडियंस ने खोला था। ठीक है, तो इंडियंस ने अगर पहली बार महिलाओं के लिए कोई स्कूल खोला तो वो थे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। ठीक है, चलिए, और ये जो समय है 1840 से 1850 का जो समय है, 1840 से 1850 का जो समय है, ये महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। ये मूवमेंट का समय है जब महिलाओं को एजुकेशन देने की मूवमेंट चल रही थी, महिलाओं के एजुकेशन राइट्स की यहां पर बात होती थी।
तो याद रखेंगे कि महिलाओं को इतनी आसानी से भारत में एजुकेशन नहीं मिलने लगी है, उसके लिए कई स्ट्रगल किए गए हैं। और भारत, अगर किसी भारतीय ने पहली बार शुरुआत की तो आपको ज्योतिबा फुले और साथ में सावित्रीबाई फुले भी दिखेंगे। ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। उसके अलावा 1851 होते होते ठीक है, लगभग 3 स्कूल यहां पर दोनों मिलकर ये कपल चलाते थे और 150 बच्चे जो महिला स्टूडेंट थी, गर्ल्स थी, वो यहां पर पढ़ती थी। ठीक है, 1852 में सावित्रीबाई फुले ने महिला सेवा सदन भी यहां पर स्टार्ट किया था, जो कि महिलाओं के राइट्स की बात करते थे। तो याद रखेंगे महिला सेवा सदन किसने स्टार्ट किया था, यहां पर सावित्रीबाई फुले ने। पेपर में इस तरह से पूछ सकता है, महिला सेवा सदन किसने स्टार्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने सत्यशोधक मैरिज की शुरुआत की। सत्यशोधक मैरिज का मतलब क्या होता है, यहां पर कोई दहेज वगैरह नहीं लिया जाएगा, यहां पर ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर शादी विवाह नहीं की जाएगी और रिचुअल्स यहां पर फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, और ये 1873 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। उसके अलावा यहां पे काव्य फूले इन्होंने लिखा था 1854 के अंदर, और यहां पर 52 काशी सुबोध रत्नाकर भी 1892 के अंदर इन्होंने पब्लिश यहां पर बुक की थी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, पूछ लेगा 52 काशी सुबोध रत्नाकर किसने लिखी, तो यहां पर ये लिखी थी सावित्रीबाई फूले ने। ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने इसको लिखा था। उसके अलावा इनकी एक पोयम है गो गेट एजुकेशन, जो कि महिलाओं को प्रेरित करती है, साथ में जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज थी उनको यहां पर प्रेरित करती है कि आप जाइए और शिक्षा लीजिए और इस ऑपरेशन से, इस अत्याचार से बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और महिला फ्रीडम फाइटर है जिनको हम भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं, और ये कौन है, ये है सरोजिनी नायडू। तो भारतीय कभी कभी पूरा नाम भी लेते हैं कि भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, और भारत के अंदर सरोजिनी नायडू का जो जन्म दिवस है वो नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत के अंदर सरोजिनी नायडू का जो जन्मदिन है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। पेपर में पूछ लेगा कौन सी ऐसी महिला है या कौन सी महिला फ्रीडम फाइटर है जिनके जन्म को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उस चीज को यहां पर याद रखेंगे। भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू 1879 यानी कि 1879 में पैदा होती है, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, और यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट को यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता मूवमेंट है 1905 में इसको ज्वाइन करती है, बंगाल पार्टीशन के जमाने में। ठीक है, और साथ ही में इनको कैसर ए हिंद भी मिला था। जैसे आपने सुना होगा गांधी जी को भी कैसर ए हिंद मिला हुआ था, उसी तरह से इनको भी कैसर ए हिंद मिला था 1908 के अंदर, जब बॉम्बे के अंदर पूना में प्लेग जब फैला था तो उसमें काम करने के लिए प्लेग एपिडेमिक के अंदर यहां पर राहत कार्य करने के रूप में इनको यहां पर रूप में करने के लिए इनको कैसर ए हिंद मिला था, जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट में हम ये जरूर पढ़ते हैं कि गांधी जी ने अपना कैसर ए हिंद टाइटल वापस कर दिया। उसके अलावा नाइटहुड जो था रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने वापस कर दिया। उसके अलावा हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि कैसर ए हिंद जो मेडल था, टाइटल था, जलियांवाला बाग के दौरान सरोजिनी नायडू ने भी उसको वापस किया था। तो इस तरह से पेपर में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी महिला थी जिन्होंने अपना कैसर ए हिंद जलियांवाला बाग के दौरान वापस किया था। ठीक है, उसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अभी हमने देखा था कि कांग्रेस की पहली अगर महिला प्रेसिडेंट कोई थी तो वो एनी बेसेंट थी, हालांकि वो फॉरेनर थी। अगर कोई भारतीय महिला प्रेसिडेंट पहली बार देखे कोई बनी तो 1925 के कानपुर सेशन में आपको सरोजिनी नायडू बनती हुई नजर आती हैं, और ये 3 साल तक, फिर अगले 3 साल तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, कांग्रेस की प्रेसिडेंट अगले 3 साल तक रहती हैं। उसके अलावा इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलता है, कई बार अरेस्ट होती है। गांधी जी के द्वारा चालू किया गया सॉल्ट सत्याग्रह जो था 1930 का, दांडी यात्रा जिसमें की गई उसमें भी आपको मिलेंगी। खास तौर पर एक इंसिडेंट जो है, जो कि एक वायलेंट इंसिडेंट, जिसमें नमक बनाने वाली एक जगह थी गुजरात के धरसाना में, वहां पर रेड करने के लिए जब गए तो वहां पर उससे पहले ही गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे। तब इस रेड को लीड करा किसने, सरोजिनी नायडू ने, इमाम साहिब ने और मनीलाल ने। ठीक है, तो 3 लीडर्स थे। धरसाना सॉल्ट जब रेड हुई उससे पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और ये जो रेड थी उस सॉल्ट जो फैक्ट्री थी वहां पर जाकर रेड की, तो ये एक बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में बन गई। भारी मात्रा में लाठीचार्ज यहां पर हुआ, गोलियां चलाई गई, और इसमें आपको 3 लीडर बेसिकली दिखेंगे, सरोजिनी नायडू, मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे, और इमाम साहिब। ठीक है, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू
ठीक है, सरोजिनी नायडू, मनीलाल और इमाम साहिब। मनीलाल जो थे गांधी जी के बेटे थे, सरोजिनी नायडू, तीनों लीडर्स थे धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है, जो कि एक वायलेंट रेड के रूप में बन जाती है। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी सरोजिनी नायडू जो है अरेस्ट हो जाती है, साथ ही में गांधीयन थी, ठीक है, और गांधी जी को कंपनी देती है, गांधी जी के साथ जाती है कब, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की गई थी, ठीक है, 1930, 1931 और 1932, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भारत के अंदर हुई थी, ताकि भारत के अंदर किस तरह से गवर्निंग स्ट्रक्चर आगे हो इस पर चर्चा करने के लिए, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो इसमें सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ इसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उनका बायकॉट किया था। और जब गांधी जी यहां पर गए, कांग्रेस को रिप्रेजेंट गांधी जी कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इसमें सरोजिनी नायडू जो है गांधी जी के साथ लंदन गई थी। इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि फिर से पूछ लेगा कौन वो महिला है, ठीक है, जो कि भारत के अंदर जिनके नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, गांधी जी के साथ गई थी, इस तरह से पूछ लेगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती है, जो कि पहली, ठीक है, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती है, जो कि पहली बार कोई महिला जो है गवर्नर की पोस्ट को भारत के अंदर होल्ड करती है। तो भारत की पहली महिला गवर्नर भी आपको सरोजिनी नायडू देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और फ्रीडम फाइटर यहां पर देखने को मिलती है, अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली एक बंगाली फैमिली के अंदर इनका जन्म होता है 1909 के अंदर। हालांकि जहां पर इनका जन्म होता है वो हरियाणा में आपको जगह मिलेगी कालका, यहां पर इनका जन्म होता है। बाद में ये दिल्ली की पहली मेयर बनती है आजादी के बाद, ठीक है। उसके अलावा 1932 में तिहाड़ जेल में भी इनको डाला जाता है, ठीक है, और जब डाला जाता है तब ये प्रोटेस्ट कर रही थी किस चीज के खिलाफ, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका विरोध यहां पर करते हुए इनको जेल की सजा हुई। उसके अलावा अरुणा आसफ अली जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है भारत के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत होती है, ठीक है, 9 अगस्त को, तब यहां पर इन्होंने झंडा लहराया था, कांग्रेस का झंडा बॉम्बे के ग्वालिया टैंक के अंदर लहराया था, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, आजाद मैदान के अंदर जब शुरुआत हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो झंडा किसने लहराया था, अरुणा आसफ अली ने, इसके लिए भी जानी जाती है, और इसीलिए इनको हीरोइन कहा जाता है 1952 के कैंपेन का। तो अरुणा आसफ अली को 1942 के कैंपेन का की हीरोइन कहा जाता है, ठीक है। तो हीरोइन ऑफ 1942 कैंपेन कौन था, वो थी अरुणा आसफ अली। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट को किस और अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। उसके अलावा यहां पर एक और रेवोल्यूशनरी महिला फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है प्रीतिलता वाडेदर, ठीक है, प्रीतिलता वाडेदर या फिर प्रीतिलता वाडेदर, प्रीतिलता वाडेदर भी कोई पढ़ता है, तो प्रीतिलता वाडेदर आपको देखने को मिलते हैं 1911 से 1932 तक। ज्यादा लंबा जीवन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। इन्होंने फिलोसफी के अंदर ग्रेजुएशन यानी कि शिक्षा अपनी हासिल की। उसके अलावा इन्होंने रेवोल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन करा, कौन से ग्रुप को ज्वाइन करा, बंगाल के एक फेमस क्रांतिकारी आपको फ्रीडम फाइटर मिलेंगे सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था, तो मास्टर दा के साथ ही ज्वाइन करती है ग्रुप। उसके अलावा यहां पर कहा जाता है कि 1932 के अंदर यहां पर इन्होंने रेड करी पहाड़ताली, जो यूरोपियन क्लब हुआ करता था पहाड़ताली में बंगाल के अंदर, उस पर इन्होंने रेड की और यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अरेस्ट से बचने के लिए अपने आप को दरअसल साइनाइड यानी कि जो जहर होता है उसको ये कंज्यूम कर लेती हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये रेड हो रही थी पहाड़ताली यूरोपियन क्लब में, तब यहां पर इन्होंने ये एक्शन लिया और आत्महत्या एक तरह से कर ली। उसके अलावा जो दूसरी महिला फ्रीडम फाइटर है रेवोल्यूशनरी, इन्हीं के साथ आपको मिलेंगी कल्पना दत्ता, ये भी मास्टर दा सूर्य सेन के साथ आपको देखने को मिलती है। सूर्य सेन 1930 के अंदर एक एक्टिव रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के अंदर, जिन्होंने चिटगोंग के अंदर जो हथियार ब्रिटिश लोगों के होते थे उनको लूटा, आर्मरी रेड उन्होंने की थी, उसी में आपको कल्पना दत्ता भी देखने को मिलती है। कल्पना दत्ता जो थी छत्री संघ की मेंबर थी। अब छत्री संघ आपको पता होना चाहिए, ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था महिलाओं का, ठीक है, कोलकाता के अंदर। इस चीज को याद रखेंगे, पूछ लेगा छत्री संघ ये क्या था, ठीक है, ये महिलाओं का रेवोल्यूशनरी ग्रुप था कोलकाता के अंदर, जो फीमेल रेवोल्यूशनरीज हुआ करती थी, ठीक है। उसके अलावा यहां पर कहते हैं कि जब पहली बार अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, आग लगाने का पहाड़ताली क्लब के ऊपर,
तब प्रीतिलता के साथ आपको कल्पना दत्ता भी देखने को मिलती है, ठीक है। और सेकंड जो अटेम्प्ट हुआ यहां पर पहाड़ताली क्लब यूरोपियन क्लब पे अटैक करने का, वहां पर प्रीतिलता के साथ, प्रीतिलता जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कल्पना दत्ता सेकंड अटेम्प्ट में थी, साथ में सूर्य सेन यानी कि मास्टर दाबी थे। कल्पना दत्ता किसी तरह से बचकर भाग जाती हैं, अरेस्ट को एस्केप कर लेती हैं, लेकिन मास्टर दा यानी कि सूर्य सेन पकड़े जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिर 3 महीने बाद इनको अरेस्ट बाद में कर लिया जाता है फॉर टेकिंग पार्ट इन चिटगोंग आर्मी लूट, ठीक है। तो चिटगोंग आर्मरी रेड जो थी उसमें पार्टिसिपेट करने के आरोप में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बाद में और जो महिला फ्रीडम फाइटर मिलती हैं वो है सुचेता कृपलानी। इनका जन्म जो पहले से जो नाम था वो था सुचेता मजूमदार, और बंगाली फैमिली के अंदर 1908 में इनका जन्म होता है। शिक्षा इन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो दिल्ली है वहां से और सेंट स्टीफन कॉलेज से प्राप्त की। साथ में यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे क्योंकि इन तरह की बातें पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन से आपको जो महिला फ्रीडम फाइटर हैं वो ऐसे ही दिखती हैं जिनका लाइफ ये रही है अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सुचेता कृपलानी पार्टिसिपेट करती हैं, साथ ही में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी हुआ करती थी। तो बहुत कम महिलाएं जो है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनी गई मेंबर दिखेंगी, जिनमें से एक आपको सुचेता कृपलानी देखने को मिलती है। बिल्कुल दोस्त, जो अलग नाम है, दूसरा जो नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट का वो है अगस्त क्रांति, ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो प्रियंका झा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी इंपॉर्टेंट मेंबर देखने को मिलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था उसमें इनका भी योगदान आपको देखने को मिलता है, उसमें भी मेंबर इनको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर महिलाओं के राइट्स के लिए भी लड़ती थी, ठीक है, और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना करती है, ठीक है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना करती है कौन? सुचेता कृपलानी, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1963 के अंदर यानी कि आजादी के बाद भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया में चीफ मिनिस्टर बनती हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और ऐसी पोजीशन होल्ड करने वाली पहली महिला बनती है। तो भारत के अंदर अगर कोई पहला कोई महिला चीफ मिनिस्टर बनती है तो वो है सुचेता कृपलानी। भारत के अंदर अगर पहली बार, ठीक है, कोई यहां पर भारत के अंदर पहली बार अगर कोई आपको देखने को मिलता है गवर्नर बनता है तो वो कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है, और दोनों ही उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है जो कि बहुत छोटी उम्र के अंदर जिनकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, वो आपको देखने को मिलेंगी कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ आपको आसाम से देखने को मिलेंगी, और इनको वीर बाला या फिर शहीद भी कहा जाता है, ठीक है। और कनकलता बरुआ जो है सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यहां पर इनको गोली मार दी गई, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, और उस समय ये झंडा लेकर चल रही थी और ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनको गोली मार दी गई। तो इस तरह से इनका स्मारक इस तरह से देखने को मिलता है। कनकलता बरुआ सिर्फ 17 साल की उस वक्त हुआ करती थी। अगली यहां पर जो फ्रीडम फाइटर है वो है उषा मेहता, ठीक है। उषा मेहता गांधीयन बाय आपको आइडियोलॉजी मिलेंगी, ठीक है, और उषा मेहता जानी जाती है यहां पर अपने सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए, ठीक है, सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए यहां पर जानी जाती है। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट एक वायलेंट मूवमेंट था। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट जितने भी लीडर्स हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। जितने मेजर और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बड़े जो लीडर्स थे जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। बचते हैं जो यंग लीडर्स हैं, यंग जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, उनमें से आपको एक सुचेता कृपलान उषा मेहता भी दिखती हैं, जो कि क्या करती हैं यहां पर सीक्रेट रेडियो चलाती हैं। सीक्रेट रेडियो कैसे था? क्योंकि इसका जो ट्रांसमीटर था पता नहीं वो कहां पर है, ये पता नहीं चल पाता था, उसकी लोकेशन इधर उधर चेंज करते रहते थे। और फिर बाद में जो क्रांतिकारी जो लोग थे वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आम जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाता था, तो लोग अपनी रेडियो से फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते थे और ये उस सीक्रेट जो ट्रांसमीटर है उसको इसकी लोकेशन चेंज करते करते जानकारी जो है क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना उस रेडियो के थ्रू देते रहते थे, ठीक है। तो सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए यहां पर जानी जाती है उषा मेहता उस जमाने के अंदर, ठीक है। तो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो 1942 के अंदर यहां पर चलाया था, ठीक है। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, और पहली बार जब इन्होंने पार्टिसिपेट करा था कभी प्रोटेस्ट के अंदर तो 8 साल की उम्र में
इन्होंने पार्टिसिपेट किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके अंदर, इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था, ठीक है। और ठीक है, और इन्होंने अपने सीक्रेट रेडियो के तहत कभी सभी क्रांतिकारियों को एकजुट रखा, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। इसके अलावा आपको एक और भारत में इम्पॉर्टेंट महिला का योगदान जो मिलता है वो है विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन हुआ करती थी और ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी बनती है बाद में। उससे पहले 1953 से 54 के बीच में पहली महिला थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बनती है, ठीक है। तो पहली ऐसी महिला थी भारत की तरफ से जो कि प्रेसिडेंट बनती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर 1953 से 1954 में, ठीक है। और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी बनती है विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये था इंडिविजुअल वुमेन्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था भारत के इतिहास में, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, एजुकेशन के लिए काम किया हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया हो, या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की हो, या फिर इसके अलावा युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया हो। इस तरह से आपको महिलाओं को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लेडीज सोशल सोसाइटी इन कलकत्ता बनी थी 1882 में और ये बनाई गई थी, ठीक है, स्वर्ण कुमारी देवी जी के द्वारा, जो कि सिस्टर हुआ करती थी रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। और महिलाओं को यहाँ पर लाइवलीहुड मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले, इस चीज का काम यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन किया करती थी, ठीक है। और ये एडिटर भी थी किसकी, भारती नाम की जर्नल की। उसके अलावा आर्य महिला समाज, ठीक है, ये स्थापित किया गया था रामाबाई सरस्वती के द्वारा, कहाँ पर, पुणे के अंदर, और ये भी महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम करती थी, महिलाओं की एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट यहाँ पर काम किया जाता था, ठीक है। और उसके अलावा जो वीडो महिला होती थी उनके लिए शारदा सदन भी खोला गया था, किनके द्वारा, रामाबाई सरस्वती के द्वारा। तो रामाबाई सरस्वती को भी याद रखेंगे, इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्य महिला समाज और शारदा सदन, इसको भी याद रखेंगे। उसके अलावा भारत महिला परिषद 1905 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और ये एक तरह से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है महिलाओं की, इंडियन नेशनल ये वुमेन्स विंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सोशल विंग होता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का सोशल विंग, उसका यहाँ पर उसका एक विंग बनाया भारत महिला परिषद, ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और महिलाओं की एजुकेशन इसके लिए काम करती थी। 1955 के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बनाया गया, ठीक है, ये एक नेशनल लेवल की ब्रांच थी किसकी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की, ठीक है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन हुआ करता था, उसकी एक नेशनल ब्रांच बनाई, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन किसने, मेहरीबाई टाटा जी ने इसको बनाया 1925 में। उसके अलावा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है ये फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं के लिए लंबे समय तक कई इंपॉर्टेंट केसेस के लिए जानी जाती है, ठीक है। मार्गरेट कजन्स ने 1927 में इसकी स्थापना की और ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इगैलिटेरियन अप्रोच रखती है महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें सारी हमने इंपॉर्टेंट जो महिला लीडर्स थी भारत के इतिहास की और साथ में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उसको हमने यहां पर देख लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे,